सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज। मैं हूं सुनील कुमार। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन का प्रूफ बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके किसी भी लाइन इंटीग्रल को आसानी से निकाल सकते हैं। इस वीडियो के पहले मैं वेक्टर कैलकुलस का 8 वीडियोज अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैं लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम को बताया हूं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा स्टॉक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये दोनों थ्योरम का प्रूफ भी चाहिए या उससे रिलेटेड क्वेश्चन, आप अपना कमेंट जरूर दें। और फ्रेंड्स, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो आप पसंद करते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जो है वो काफ़ी वैल्यू रखता है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आप अगर सपोर्ट करते हैं तो मैं भी उतनी ही दोगुनी एनर्जी के साथ आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देते रहूँगा और मैथमेटिक्स का नॉलेज जितना मेरे पास है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर इस वीडियो को या जो भी वीडियो मेरे चैनल में है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन का स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट है ग्रीन्स थ्योरम का, और उसके बाद फिर इसका प्रूफ समझेंगे। पहले स्टेटमेंट को समझिए कि इफ आर इज ए क्लोज्ड रीजन इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में आर कोई क्लोज्ड रीजन है बाउंडेड बाय ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, एक क्लोज्ड कर्व सी से बाउंडेड है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, तो इस एक्स वाई प्लेन पर कोई भी हम लोग एक सिंपल क्लोज्ड कर्व ले लेते हैं। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व किसको कहते हैं, आपको पता होगा, ये मैं सिंपल क्लोज्ड कर्व के बारे में पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, जैसे कर्व अगर आपस में इंटरसेक्ट कर जाए, जैसे ऐसा कर्व है, ये भी क्लोज्ड है लेकिन आपस में इंटरसेक्ट कर जाएगा तो इसको सिंपल नहीं कहेंगे। ये जो है वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसको सिंपल क्लोज्ड कर्व कहेंगे। जैसे ये कर्व ले लीजिए, ये भी कर्व जो है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्योंकि आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो कोई भी कर्व हो सकता है जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करे, उसको हम लोग सिंपल क्लोज्ड कर्व कहेंगे। तो ये सपोज कीजिए सिंपल क्लोज्ड कर्व है और सी, इस कर्व को हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं, क्लोज्ड कर्व सी, और इससे जो कर्व से बाउंडेड रीजन है, तो ये जो रीजन है इस रीजन को हम लोग आर कह रहे हैं। ये पूरा बाउंडेड रीजन मीन्स इसके अंदर में जितना भी पॉइंट है, बाउंड्री वाला भी पॉइंट और इसके अंदर वाला भी पॉइंट, उस रीजन को आर से और इस कर्व को हम लोग सी से डिनोट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं कि फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड साई ऑफ एक्स कॉमा वाई आर कंटिन्यूस फंक्शन हैविंग कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव इन आर। अब हम लोग दो फंक्शन ले रहे हैं, एक फाई फंक्शन ले रहे हैं, दो वेरिएबल एक्स वाई का है, और दूसरा फंक्शन साई ले रहे हैं। ये दोनों जो है इस रीजन आर में कंटिन्यूस है, मींस रीजन आर में कंटिन्यूस है, यानी कि इसके अंदर जितना भी पॉइंट है या बाउंड्री पर जो पॉइंट है, सभी पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है और उसका पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस है इस रीजन आर में। तो ये थ्योरम का कहना है कि ये जो लाइन इंटीग्रल है साई डी एक्स प्लस फाई डी वाई, इसको कर्व में इंटीग्रेट करना है, अलॉन्ग द कर्व इंटीग्रेट करना है। तो अलॉन्ग द कर्व जो है वही लाइन इंटीग्रल होता है। ऐसे लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल पर वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है अलॉन्ग द कर्व इंटीग्रेट किया जा रहा है, वो इस सरफेस इंटीग्रल के बराबर होगा। ये सरफेस इंटीग्रल क्या है, आप जरा ध्यान दीजिएगा कि डी वाई के साथ जो फंक्शन है, डी वाई के साथ जो फंक्शन है उसको हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ देखिए फाई जो था डी वाई के साथ था, उसको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और डी एक्स के साथ जो है उसको वाई के रिस्पेक्ट में,
ध्यान दीजिएगा, जो dy के साथ है उसको x के रिस्पेक्ट में और जो dx के साथ है उसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं और उसका डिफरेंस कर देते हैं, और डिफरेंस करने के बाद जो फंक्शन आएगा उस फंक्शन का ये सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं r रीजन में। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है ये सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा। यहाँ पर हम लोग अलॉन्ग द कर्व कर रहे हैं, लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हैं इसका, और यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, इस रीजन R में सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं। तो ये लाइन इंटीग्रल इस सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा, यही ग्रीन्स थ्योरम का कहना है। तो यहाँ पर एक और चीज़ लिखा हुआ है, वेयर सी इज ट्रेवर्स्ड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब हम लोग लाइन इंटीग्रल में इंटीग्रेट करते हैं तो डायरेक्शन लेते हैं कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है कर्व। तो कर्व जो है वो ट्रेवर्स्ड कर रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, तो वही यहाँ पर सी के बारे में लिखा हुआ है। अब जरा देखिए इसका प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं। ये तो स्टेटमेंट हो गया, ये दोनों इंटीग्रल को इक्वल दिखाना है, ये लाइन इंटीग्रल और ये सरफेस इंटीग्रल। तो कैसे इसको प्रूफ करते हैं जरा इसके बारे में समझिए। सबसे पहले देखिए यहाँ कि फर्स्टली सपोज दैट द रीजन आर इज सच दैट, हम लोग आर रीजन ऐसा ले रहे हैं कि एनी लाइन पैरेलल टू आदर कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, मीट्स द बाउंड्री सी इन एटमोस्ट टू पॉइंट। तो सी के जो बाउंड्री है उस पर मैक्सिमम दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। जैसे अगर हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल ही अगर हम लोग लाइन ड्रॉ कर दें तो इसको कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, मैक्सिमम टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। मैक्सिमम मीन्स हो सकता है वो एक पॉइंट पर सिर्फ टच करे या हो सकता है उसको इंटरसेक्ट नहीं भी करे। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन अगर ड्रॉ कर दें तो इसको मैक्सिमम कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, टू पॉइंट पर। तो ऐसा ही रीजन अभी हम लोग ले रहे हैं। एक ऐसा रीजन के बारे में समझिए, जैसे मान लीजिए हम लोग इस तरीके का एक रीजन ले रहे हैं, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। तो इसमें अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें तो ये मैक्सिमम टू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? ये आप देख रहे हैं कितने पॉइंट पर, वन टू थ्री फोर, ये फोर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसा कर्व फिलहाल नहीं लेना है। ऐसा कर्व हम लोग लेंगे तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो अभी हम लोग ले रहे हैं इसको प्रूफ करने के लिए, वो ऐसा कर्व ले रहे हैं कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस कर्व को मैक्सिमम टू पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि लेट द रीजन बी इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंस एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू सी एंड वाई इक्वल टू डी। अब देखिए मैं यहाँ पर फिगर बनाया हूँ, ऐसा ही कर्व लिया हूँ यहाँ पर। तो ये जो रीजन है R, ये क्लोज्ड कर्व C से बाउंडेड है। तो ये जो रीजन R है ये चार लाइन के बीच में ही है। कौन कौन सा लाइन? एक्स इक्वल टू ए, ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, और ये जो लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो ए से पास करने वाला लाइन वाई एक्सिस के अगर पैरेलल रहे तो उसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू ए होगा। ये भी लाइन जो है वो बी से पास कर रहा है वाई एक्सिस के पैरेलल, तो इस लाइन का इक्वेशन एक्स इक्वल टू बी। ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो ये वाई इक्वल टू सी, सी से पास कर रहा है, और इस लाइन का इक्वेशन वाई इक्वल टू डी। तो ये जो चार लाइन है इसी चार लाइन के बीच में रीजन है। तो पहला तो हम लोग ये मान लिए, तो मैं यहाँ पर वही लिखा हूँ कि लेट द रीजन बी इंक्लूडेड बिटवीन द लाइन्स एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, वाई इक्वल टू सी एंड वाई इक्वल टू डी एज शोन इन फिगर। फिगर में जैसा दिखाया गया है उस तरीके से ये चार लाइन के बीच में रीजन है। अब फिर आगे देखिए कि लेट द इक्वेशन टू द कर्व ए पी बी। यहाँ पर इसको जो कर्व है इस कर्व को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं, एक ए पी बी कर्व को अलग कर देते हैं और दूसरा बी क्यू ए कर्व को अलग कर देते हैं। दो पार्ट में, एक नीचे वाला कर्व को अलग कंसिडर कीजिए और ऊपर वाला कर्व को अलग कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पर वही लिख रहा हूँ कि लेट द इक्वेशन टू द कर्व्स ए पी बी एंड बी क्यू ए डिनोटेड बाय सी वन एंड सी टू। मतलब नीचे जो कर्व है ए पी बी, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा क्योंकि यही चीज़ मेन चीज़ समझना है यहाँ पर, कि ए पी बी जो कर्व है इसको सी वन से डिनोट कर रहे हैं और ऊपर वाला जो कर्व है बी क्यू ए, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए, नीचे वाला को अलग सी वन से डिनोट कर रहे हैं और बी क्यू ए को सी टू से डिनोट कर रहे हैं, और उसका इक्वेशन अलग अलग है। नीचे वाला का इक्वेशन जो है वो वाई इक्वल टू एफ वन एक्स है और ऊपर वाला का जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू एफ टू एक्स है। क्या ऐसा पॉसिबल होगा? जरा आप समझिए यहाँ पर, जैसे आप जानते हैं कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल का इक्वेशन अगर रेडियस यहाँ पर हम लोग a मान लेते हैं,
ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस सर्कल का इक्वेशन आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से आप y के लिए इसको सॉल्व कीजिए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर हटा दीजिएगा तो इधर रूट अंडर होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दो वैल्यू प्लस और माइनस दोनों होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये y का दो वैल्यू आ गया, y इक्वल टू एक रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है और एक y इक्वल टू आ रहा है माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दो चीज़ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सर्कल को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक x एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं और एक x एक्सिस के नीचे ले लेते हैं। तो ऊपर का जो इक्वेशन आएगा, ये पोर्शन का जो इक्वेशन आएगा वो ये वाला होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ पर पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और नीचे जो कर्व का पोर्शन आ रहा है वो ये वाला होगा। यानी दो इक्वेशन में बट गया, ये जो इक्वेशन था सर्कल का उसको दो इक्वेशन में डिवाइड कर दिए या दो इक्वेशन में हम लोग सेपरेट कर दिए। तो ऊपर वाला का ये इक्वेशन हो रहा है y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, नीचे वाला में आप जानते हैं थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव होता है, तो नीचे वाला का ये इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर y जो है वो एक फंक्शन हो गया f1 ऑफ x, इसको हम लोग f1x कह रहे हैं, y इक्वल टू f1x, y जो है वो x का एक फंक्शन हो गया, और नीचे वाला जो पार्ट है वो y इक्वल टू f2x, ये एक दूसरा इक्वेशन निकल गया, ये नीचे वाला का इक्वेशन। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा कि ये जो कर्व है इसको हम लोग अलग कह रहे हैं, c1 से डिनोट कर रहे हैं, और इस कर्व का इक्वेशन हम लोग लिए हुए हैं y इक्वल टू f1x, और जो ऊपर वाला कर्व है उसका इक्वेशन लिए हुए हैं y इक्वल टू f2x, और इसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं कैसे, c2 से, मतलब ये पूरे c कर्व को दो पार्ट में, एक नीचे c1 और ऊपर c2, और दोनों का इक्वेशन अलग अलग कर दिए। अब जरा यहाँ पर समझिए कि आगे क्या मैं लिख रहा हूँ, जो आपको प्रूफ करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इंटीग्रल निकालना है इस पार्शियल डेरिवेटिव का और इस पार्शियल डेरिवेटिव का, तो ऐसा करते हैं इसका अलग निकाल लेते हैं, इसका अलग निकाल लेते हैं, दोनों का डिफरेंस कर देंगे और दिखा देंगे कि इसके इक्वल आ रहा है। तो फिलहाल मैं ले रहा हूँ डेल साई बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई, मतलब डेल साई बाय डेल वाई का हम लोग इंटीग्रल ले रहे हैं, सरफेस इंटीग्रल ले रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर फिलहाल मैं इसका ले रहा हूँ, फिर बाद में मैं इसका भी निकालूंगा। तो ये डेल साई बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई आर रीजन में इंटीग्रेट करना है, आर रीजन में सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो क्या तरीका होता है इसको इंटीग्रेट करने का, आपको लिमिट बैठाना है कि आर रीजन में एक्स और वाई कैसे वेरी करता है, जब भी किसी सरफेस इंटीग्रल को निकालते हैं और वो एक्स वाई प्लेन पर निकालना है, तो एक्स वाई प्लेन पर निकालना है तो आप देखिए कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है इस रीजन में, और y कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, तो वही यहाँ पर हम लोग लिमिट देंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसको क्या कीजिए, y के रिस्पेक्ट में कर लीजिए, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है y के रिस्पेक्ट में, तो इसको y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, और ये जो इंटीग्रल आएगा उस इंटीग्रल को फिर बाद में हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो यहाँ पर आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सबसे पहले y का लिमिट देखिए कि y का लिमिट क्या होगा। तो इस रीजन में हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो इस रीजन में y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। आप कोई भी अगर स्ट्रिप ले लेते हैं, तो आप स्ट्रिप ले लेते हैं तो आप देखते हैं कि y कोऑर्डिनेट इस कर्व से इस कर्व तक जा रहा है। यहाँ कर्व ध्यान दीजिएगा दो पार्ट में बांट दिए हैं, नीचे वाला कर्व अलग है जिसको हम लोग सी1 कह रहे हैं, और ऊपर वाला का कर्व सी2 है। तो कोई भी अगर हम लोग स्ट्रिप ले लेते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल ले रहे हैं, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। अभी मैं लिखाया हूँ कि इसका इक्वेशन वाई इक्वल टू एफ वन एक्स है, और ऊपर वाला का इक्वेशन वाई इक्वल टू एफ टू एक्स है। तो इसका वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा क्या, इसका इसका जो इक्वेशन है वाई इक्वल टू एफ वन एक्स है, तो किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है तो यही हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट जो होगा वो y इक्वल टू एफ वन एक्स आएगा, और स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक वैरी कर रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। इस कर्व का अपर पार्ट का जो इक्वेशन है y इक्वल टू एफ टू एक्स है, तो इसका y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एफ टू एक्स यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये एफ टू एक्स हो गया। अब x कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जो स्ट्रिप ले रहे हैं सबसे पहला स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट होगा और लास्ट स्ट्रिप यहाँ होगा, तो पहला जो स्ट्रिप होगा उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a, और लास्ट स्ट्रिप का x कोऑर्डिनेट b होगा। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो है वो a से लेकर के b तक वेरी करेगा।
अब हम लोग क्या करते हैं, ये इंटीग्रल तो रहने दीजिए a टू b, और इसको पहले इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आप देखिए ये साई का पार्शियल डेरिवेटिव है वाई के रिस्पेक्ट में, और फिर वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो किसी भी फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और फिर उसको इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन हट जाएगा, सिर्फ साई आ जाएगा। और साई एक्स और वाई का फंक्शन है, तो एक्स वाई यहाँ पर लिख देते हैं कि एक्स वाई का फंक्शन होगा। और कहाँ से कहाँ तक इसका लिमिट है, वाई इक्वल टू एफ वन एक्स है, मतलब y के जगह f1x वन पुट करेंगे और यहाँ पर y के जगह f2x, ये अपर लिमिट हो गया। और जो भी वैल्यू आएगा उसको फिर से हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर अब अपर लिमिट पहले पुट कीजिए, तो साई फंक्शन में x कॉमा y के जगह क्या पुट करना है, f2x, और फिर साई ऑफ x कॉमा y के जगह लोअर लिमिट में f1x, ये पुट कर दिए। अब इसको फिर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, ये x का फंक्शन आ गया, y तो हट गया क्योंकि y का जो वैल्यू था यहाँ से हम लोग पुट कर दिए। अब ये x का फंक्शन होगा, ये भी x का फंक्शन होगा, इसको फिर हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अब अलग अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, तो इसको अलग कर रहे हैं साई ऑफ x और f2x जो है यहाँ पर रहने दीजिए, और इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, a से b करना है। तो हम लोग अगर b से a कर देते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग क्या किए, आप देख रहे हैं कि जो लिमिट है, लिमिट को हम लोग इंटरचेंज कर दिए, b से a कर दिए, तो ये साइन जो है वो चेंज हो जाता है। और फिर ये साई फंक्शन को इंटीग्रेट करना है x कॉमा f1 ऑफ x, और x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर वही रहने दीजिए, लिमिट जो है वो a से b ही रहने दीजिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, b से a करना है और किसको करना है, साई x f2x, तो f2x का मतलब कौन सा कर्व हो गया, अपर पार्ट वाला f2x है और लोअर पार्ट वाला जो है वो f1x है। तो यहाँ अपर पार्ट के बारे में बता रहा है, अपर पार्ट में b से a करना है, तो b इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट b है और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ये है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर से मूव करेंगे b से a, तो b से a करना है साई x f2x, मतलब ये पार्ट को करना है। हम लोग जो f2x लिख रहे हैं, f2x है क्या, y इक्वल टू f2x है, तो ऐसे तो जब x के रिस्पेक्ट में करना है तो x का ही फंक्शन होना चाहिए, तब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग f2x के जगह y ही लिख रहे हैं। ये यहाँ पर जो y का वैल्यू पुट करेंगे जब इंटीग्रेशन में, तो y का वैल्यू हम लोग f2x ही पुट करेंगे। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, f2x जो लिखा हुआ था उसके बदले हम लोग y लिख दिए, और ये जो y का वैल्यू जब इंटीग्रेट करेंगे तो y का वैल्यू f2x ही पुट करेंगे। ये b से a हुआ, यानी कि ये वाला कर्व का हुआ, और यहाँ पर भी f1x है, ये इंटीग्रल f1x है, मतलब नीचे ये कर्व को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इस कर्व में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, अलोंग द दिस कर्व, ए से ए पी बी वाला में। तो ए पी बी वाला में इक्वेशन क्या था, वाई इक्वल टू f1x था, और a से b तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं a से b तक, तो इसका x कोऑर्डिनेट a है और इसका x कोऑर्डिनेट b है, a से b इस डायरेक्शन में हम लोग मूव करके इंटीग्रेट करेंगे और इस पोर्शन में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी f1x के जगह y लिख दे रहे हैं, क्योंकि फंक्शन जो है वो x और y में है, y रख देते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि यहाँ जो y लिखा जा रहा है, ये y इस कर्व से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस, ये कर्व C1 में इंटीग्रेट हो रहा है साई फंक्शन x कॉमा y, ये C1 कर्व में, क्योंकि B से A जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो आपको मैं बताया हूँ कि ये अभी ऊपर वाला पार्ट का था, तो B से A में इंटीग्रेट हो रहा है, और इस कर्व को हम लोग कैसे डिनोट कर रहे हैं, तो C1 से डिनोट कर रहे थे, और ये जो आपका आ रहा है दोनों से माइनस कॉमन ले दीजिए, तो माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, और ये जो फंक्शन को इंटीग्रेट करना है x कॉमा वाई डी एक्स ए से बी, तो ए से बी करना है, मतलब क्या हुआ, ये इस कर्व में नीचे वाला में करना था, मैं अभी बता रहा था कि ये नीचे वाला में करना है, तो इस कर्व को हम लोग कैसे लिख सकते हैं c2। अब यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि c1 में जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो y का वैल्यू हम लोग c1 के इक्वेशन से पुट करेंगे, c1 मींस क्या हो गया, c1 मींस हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा लगता है मिस्टेक है, क्योंकि C1 जो है वो किसको डिनोट कर रहे हैं, ए पी बी को C1 डिनोट कर रहे हैं, ए पी बी को C1 डिनोट कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट था ऊपर वाला, ऊपर वाला को C2 से डिनोट कर रहे हैं, और ये जो पार्ट है वो है C1, तो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था,
नीचे वाला को हम लोग C1 से डिनोट कर रहे हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए कि ये दोनों C1 में भी इंटीग्रेट करना है साई को, और C2 में भी इंटीग्रेट करना है, और उसके बाद फिर दोनों को ऐड कर देना है। तो C1 में भी इंटीग्रेट कर लीजिए और C2 में भी इंटीग्रेट कर लीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो कंप्लीट C में हो जाएगा। जब भी आप इंटीग्रल जो 12 क्लास में पढ़े हैं तो आपको पता है कि मान लीजिए 2 से 5 तक किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो क्या करते थे हम लोग, 2 से 4 तक कर सकते हैं और फिर 4 से 5 तक इंटीग्रेट करके ऐड कर देते थे। तो 2 से 5 तक अगर करना है तो 2 से 4 तक किए, यहाँ से यहाँ तक किए और फिर 4 से 5 कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए तो कंप्लीट 2 से 5 हो गया। तो यहाँ पर C1 में अलग कर देते हैं और C2 में अलग कर दिए और दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट C में निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ कि देखिए कि ये C2 में इंटीग्रेशन है और ये C1 में है, और दोनों को जब इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा क्लोइड कर्व C में इंटीग्रेट हो जाएगा, साई ऑफ एक्स कॉमा वाई dx, dx यहाँ पर छूट रहा था तो dx, इसको नंबर हम लोग 1 कर देते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है सरफेस इंटीग्रल, इस लाइन इंटीग्रल के इक्वल हो गया। अब फिर इसका हम लोग दूसरा पार्ट निकालेंगे, अभी डेल साई बाय डेल वाई को इंटीग्रेट किए थे, अब डेल फाई बाय डेल एक्स को बिल्कुल इसी तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट लेट द इक्वेशन टू द कर्व्स क्यू ए पी एंड पी बी क्यू डिनोटेड बाय C1 एंड C2। क्या है क्यू ए पी, आप ये देखिए, इसको आप दो पार्ट में हम लोग पहले क्या किए थे कि इसको अपर पार्ट और लोअर पार्ट में डिवाइड किए थे, अब हम लोग इसको दो पार्ट इस तरीके से पार्ट कर देते हैं, एक इधर ले लेंगे और एक वो साइड ले लेंगे। तो एक हम लोग क्यू ए पी ले रहे हैं और दूसरा ले रहे हैं पी बी क्यू, तो वही मैं लिख रहा हूँ क्यू ए पी एंड पी बी क्यू, ये दो पार्ट हो गया, एक क्यू ए पी और एक दूसरा है पी बी क्यू। डिनोट कैसे कर रहे हैं, एक को C1 से और एक C2 से, मतलब इधर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग C1 से और इधर वाला जो पार्ट है कर्व का उसको C2 से डिनोट कर रहे हैं। इधर वाला का इक्वेशन हम लोग मान रहे हैं x इक्वल टू g1 ऑफ y और इधर वाला जो इक्वेशन है उसको मान रहे हैं x इक्वल टू g2 ऑफ y। तो देखिए x इक्वल टू g1 ऑफ y और x इक्वल टू g2 ऑफ y, उसका इक्वेशन हम लोग कंसिडर कर लें। इधर भी का इक्वेशन अलग होगा और इधर का अलग इक्वेशन होगा, जैसे मैं अभी समझाया था उसी तरीके से यहाँ पर भी हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, पहले हम लोग किसको निकाले थे डेल साई बाय डेल वाई को, अब किसको निकाल रहे हैं डेल फाई बाय डेल एक्स को निकाल रहे हैं, इसका इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हैं। तो क्या कीजिए, इसको लिमिट हम लोग बैठाएंगे, पहले हम लोग इसको करते हैं डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, फिलहाल एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं और फिर बाद में वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो लिमिट क्या होगा आर रीजन में वो देखिए, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट के पता करने के लिए आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ कर देते हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट स्ट्रिप में कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक वैरी कर रहा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, इस कर्व से निकल जाएगा, इस कर्व के इक्वेशन से। तो इस कर्व का इक्वेशन ये है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा इस पॉइंट का g1y, x इक्वल टू हो जाएगा g1 ऑफ y, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इस कर्व के ब्रांच से निकलेगा PBQ से, तो इसका x कोऑर्डिनेट कहाँ से निकलेगा, इस कर्व के इक्वेशन से, इस कर्व का इक्वेशन ये है, तो इसका हो जाएगा x इक्वल टू g2 ऑफ y। अब फिर उसके बाद y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो y सबसे पहला स्ट्रिप स्टार्ट कहाँ से होगा, y एक्सिस के x एक्सिस के पैरेलल जो स्ट्रिप ड्रॉ कर रहे हैं वो सबसे पहला स्ट्रिप यहाँ स्टार्ट होगा, फिर यहाँ तक जाएगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो c है और इसका y कोऑर्डिनेट है d, तो y जो है वो वेरी करेगा c से और d तक जाएगा। तो सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, फाई फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, फाई का डिफरेंशिएशन किया हुआ है और फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो सिर्फ फाई फंक्शन हो जाएगा, ये C2D रहने दीजिए और इसका जो इंटीग्रल आएगा वो फाई, और फाई जो है वो शॉर्ट में लिखा हुआ है वो एक्स और वाई का फंक्शन है, और लिमिट हम लोग पुट कर रहे हैं, लिमिट है G1 ऑफ वाई और G2 ऑफ वाई, और ये इंटीग्रल एक इंटीग्रल हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में अभी बाकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर C से D रहने देते हैं, अब अपर लिमिट पुट करते हैं, तो x के जगह पुट करेंगे, ये x कोऑर्डिनेट था g1y और x कोऑर्डिनेट g2y, तो x के जगह g2y पुट करेंगे, g2 ऑफ y और कॉमा y, फिर माइनस फाई फंक्शन ऑफ x के जगह g1 ऑफ y और फिर y, और फिर दोनों का
इंटीग्रल जो भी ये डिफरेंस आ रहा है उसको फिर इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में। तो अब जरा ध्यान दीजिए, c से जो d करना है ये फाई ऑफ जी टू वाई कॉमा वाई, ये कौन सा फंक्शन है? जी टू वाई मतलब ये कर्व का इक्वेशन था, पी बी क्यू का इक्वेशन x इक्वल टू जी टू वाई था, मतलब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये c से d तक कर रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट c है और इसका y कोऑर्डिनेट d है, इस डायरेक्शन में मूव करके करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल वही रहने दीजिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं जी टू वाई के जगह x लिख देते हैं, जी टू वाई के जगह x लिख देते हैं y, और इसका अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। और ये जो c से d करना है उसको हम लोग सी वन डैश कर देते हैं। तो सी वन डैश कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इस कर्व से हम लोग को x कोऑर्डिनेट का वैल्यू लिखना है। तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू इस कर्व से जब लिखेंगे तो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना आएगा, जी टू वाई। तो यहाँ जी टू वाई लिखने की जरूरत नहीं है, वो उसको x कोऑर्डिनेट में ही कर दिए। यहाँ से पता चल जाएगा कि x कोऑर्डिनेट कहाँ से पुट करना है, सी वन डैश से, यानी इस कर्व से पुट करना है x कोऑर्डिनेट। और फिर यहाँ पर हम लोग जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो c से जो d था उसको हम लोग ये माइनस है इसको चेंज कर दे रहे हैं, ये माइनस है c से d करना है उसको d से c कर देते हैं। तो d से c कर देंगे तो ये माइनस जो है साइन चेंज हो जाएगा। अब हम लोग फाई ऑफ जी वन वाई कॉमा वाई डी वाई रहने दीजिए फिलहाल अभी, और क्या करेंगे अब यहाँ पर, ये तो ज्यों का त्यों रहने दीजिए, सी वन डैश फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई, और इसको अब डी से सी करना है जी वन वाई, जो कर्व है वो जी वन वाई मतलब इधर है, ये वाला पोर्शन है क्यू ए पी, और जी ये इसको हम लोग डी से सी कर रहे हैं, डी से सी, यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट डी है और यहाँ का वाई कोऑर्डिनेट सी है, डी से सी कर रहे हैं। तो ये कौन सा कर्व है, इसको हम लोग सी वन डैश से डिनोट किए हैं, तो इस सॉरी ये जो था वो सी टू डैश से डिनोट था, फिर ये मिस्टेक हुआ, ये जो कर्व है उसको हम लोग सी टू डैश से डिनोट किए थे और इस पोर्शन को हम लोग डिनोट किए थे सी वन डैश से। तो इसको हम लोग सी वन डैश लिख जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं जी वन वाई के जगह एक्स ही लिखते हैं। क्यों एक्स लिखते हैं, क्योंकि ये जी वन वाई एक्स इक्वल टू जी वन वाई ये वाला है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट कहीं का भी निकलेगा तो वो इसी कर्व के इक्वेशन से निकलेगा। तो हम लोग जी वन वाई की जगह एक्स पुट कर देते हैं, जब यहाँ पर सी वन लिखा हुआ है सी वन डैश, तो सी वन डैश मतलब इसी कर्व से हम लोग को निकालना है एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट जी वन वाई ही आएगा। अब ये दोनों कर्व में है, ये सी टू डैश में है यानी कि इस कर्व में इंटीग्रेशन है, और वो C1 डैश में है इस कर्व में इंटीग्रेशन है। तो ये पार्ट में और इस पार्ट में इंटीग्रेट करके दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीट पार्ट में हो जाएगा, पूरे क्लोज्ड कर्व में हो जाएगा। तो इस क्लोज्ड कर्व को हम लोग C से डिनोट करते हैं, यानी दोनों इंटीग्रल का सम जो है वो फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई डी वाई हो जाएगा। और लेकिन ये कर्व हाफ पार्ट में सी वन डैश में था और फिर सी टू डैश में था, तो पूरे कर्व में हो जाएगा दोनों को ऐड करेंगे, तो ये पूरा कर्व सी हो गया। और ये क्लोज्ड कर्व है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग नंबर डाल देते हैं टू। अब दोनों का जो वैल्यू निकला है वो दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो देखिए आगे क्या होता है। तो पहले आप देखिए कि हम लोग ये निकाले थे इक्वेशन वन नाम दिए थे, और दूसरा हम लोग अभी निकाले हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला निकाले हैं, इसको इक्वेशन टू दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, वन फ्रॉम टू में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये सरफेस इंटीग्रल है, एक साथ लिख जाते हैं हम लोग, डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स माइनस, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डेल साई बाय डेल एक्स, और ये एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, दोनों को एक ही इंटीग्रल में हम लोग लिख जाते हैं, सी कर्व के अलॉन्ग इंटीग्रेट करना है, फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो फाई जो है एक्स वाई का फंक्शन है, शॉर्ट में हम लोग फाई लिख रहे हैं फाई डी वाई, और यहाँ पर इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साई शॉर्ट में लिख रहे हैं साई डी एक्स। तो यही इंटीग्रल था, इसी को प्रूफ करना था कि ये जो लाइन इंटीग्रल होगा फाई डी वाई प्लस साई डी एक्स इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल था सरफेस इंटीग्रल डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स माइनस डेल साई डिवाइडेड बाय डेल एक्स, सॉरी डेल फाई डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप देखिए डेल फाई बाय डेल एक्स था और डेल साई बाय डेल वाई है, ये वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो डेल साई बाय डेल वाई और फिर डी एक्स डी वाई। तो ये जो अभी हम लोग प्रूफ किए हैं यही ग्रीन्स थ्योरम में प्रूफ करना था, लेकिन हम लोग एक स्पेशल कर्व लेकर के प्रूफ किए हैं। कौन सा स्पेशल कर्व,
कि ऐसा कर्व लिए थे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो उसको मैक्सिमम दो पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन अगर दो से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो वैसे केस में क्या होगा, जरा इसके बारे में समझिए। सपोज कीजिए इस तरीके से कोई कर्व है, इस कर्व को हम लोग सी डिनोट कर रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर इस तरीके का लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दो से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा एक वाई एक्सिस के पैरेलल। तो अगर इस तरीके का रीजन रहे तो क्या कीजिए, अगर ऐसा कोई कर्व रहे तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, इस लाइन से दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। अब ये जो पार्ट है, इस रीजन को आर वन कह रहे हैं, इस रीजन को आर टू कह रहे हैं। तो ये रीजन में आप देखिए क्या होता है कि इस रीजन में अगर हम लोग कोई भी एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम लोग पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको मैक्सिमम दो पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा, या इस रीजन में भी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो मैक्सिमम दो पॉइंट पर। तो ऐसा पार्ट में हो सकता है दो से अधिक पार्ट में भी डिवाइड करने की जरूरत पड़े तो कर लेंगे, और ऐसा करेंगे ताकि वे फिर जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल दो से अधिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब जो अभी हम लोग थ्योरम प्रूफ किए उस थ्योरम को इस आर वन रीजन में अलग से प्रूफ कर लेंगे, आर वन रीजन में, और फिर आर टू रीजन में भी अलग से प्रूफ कर लेंगे, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो सरफेस इंटीग्रल तो ये पूरा आर रीजन में हो जाएगा, कंप्लीट रीजन को हम लोग आर कह रहे हैं तो आर वन में अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे, आर टू में अलग से इंटीग्रेट कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग कर्व लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो लाइन इंटीग्रल में इस कर्व को अगर सी वन डैश से डिनोट करें और इस कर्व को सी टू डैश से, ये ऊपर वाला कर्व यहाँ से इस तरीके से मूव किया है, यहाँ से यहाँ फिर गया है, इधर जो है वो सी वन कर्व है, तो इस कर्व में जब इंटीग्रेट करेंगे तो अलॉन्ग दिस कर्व इंटीग्रेशन होगा। तो इस डायरेक्शन में हम लोग एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो इस डायरेक्शन में घूम करके इंटीग्रेट करेंगे, और जब इस कर्व में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो वो यहाँ से इधर इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में आएगा और ये कर्व में इंटीग्रेट होगा, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो दो बार इसका भी लाइन इंटीग्रल हो जाएगा इसके अलोंग भी, लेकिन इसके अलोंग दो बार होगा, एक इस कर्व में भी होगा इस डायरेक्शन में और एक इस सी टू कर्व में होगा भी होगा इस डायरेक्शन में, लेकिन ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर से गया है और यहाँ पर ये इधर से आया है, तो दोनों डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो यहाँ पर इसका जो लाइन इंटीग्रल निकलेगा इस डायरेक्शन में और इसका जो लाइन इंटीग्रल निकलेगा इस डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइन अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है तो ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो जो बचेगा वो फिर क्या बचेगा, ये क्लोइड कर्व का ही बचेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे और ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे ताकि वो जो है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल दो पॉइंट से अधिक पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हो सकता है दो से अधिक तीन पार्ट या चार पार्ट में भी डिवाइड करना पड़े तो कर लेंगे हम लोग उसको, और अलग अलग रीजन में है, सब रीजन में उसका हम लोग इवेल्यूशन कर लेंगे और फिर ऐड कर देंगे तो कंप्लीट रीजन में हो जाएगा। जो कॉमन पार्ट आ रहा है लाइन इंटीग्रल में, जो कॉमन पार्ट आ रहा है, जो दो बार या दो रीजन में अगर डिवाइड किए थे तो दो बार वहाँ पर आ रहा था, तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से मैं इसका लिख दे रहा हूँ कि क्या आपको लिखना पड़ेगा, तो मैं उसको लिख करके बता दे रहा हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर यही लिखा हूँ कि नाउ इट द गिवन प्लेन रीजन बी सच दैट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब रीजन, फाइनाइट नंबर ऑफ सब रीजन में डिवाइड करेंगे, दो या दो से अधिक पार्ट में, लेकिन फाइनाइट नंबर ऑफ सब रीजन। जैसे फिगर में हम ले रहे हैं कि इन फिगर टेक आर वन एंड आर टू बाई यूजिंग लाइन एस टी लाइन से डिवाइड किए such that the boundary of each is met in at most two points by any line parallel to either axis. Then we can prove the theorem for this region by using the above result to each subregion R1 and R2 in this figure. तो हम लोग क्या करेंगे कि R1 और R2 दोनों रीजन में इस थ्योरम को प्रूव कर लेंगे, एंड एडिंग द रिजल्ट इन दिस कनेक्शन नोटिस दैट द लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग द कॉमन पार्ट ऑफ द बाउंड्री ST इन दिस एग्जाम्पल कैंसल इन पेयर, अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसीलिए वो एस टी के जो दो बार ऐड हो जा रहा है दोनों में तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स ग्रीन्स थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ हुआ। ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा अगर इससे रिलेटेड मैं सवाल को बताता हूँ, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड सवाल को बताऊँगा, वेरीफाई करूँगा ग्रीन्स थ्योरम को किसी एग्जाम्पल के थ्रू, और साथ में ग्रीन्स थ्योरम में जो लाइन इंटीग्रल निकालना रहता है अगर ग्रीन्स थ्योरम का यूज करके निकाले तो कितना आसान हो जाएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आपको अगर ग्रीन्स थ्योरम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझना है, उसका कॉन्सेप्ट भी और प्रॉब्लम भी, तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखेंगे, और
इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।